नमस्कार, मैं मिशन राघव और आज गौतम बुद्ध नगर के मिश्रक गांव में मौजूद हूँ। मिश्रक के उभरते हुए एक राजनेता, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ राजनेता अक्षय चौधरी जी के पास इस समय हम आए हुए हैं और अक्षय चौधरी जी को आज एक नई जिम्मेदारी मिली है। लोहिया वाहिनी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी अक्षय जी को मिली है। अक्षय जी का परिवार पिछले 45 सालों से यहाँ की राजनीति करता हुआ रहा है। इनके दादा, परदादा और परिवार के अन्य सदस्य ब्लॉक प्रमुख रहे। तो अभी अक्षय जी 2022 के आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी मजबूती से दावेदारी ठोक रहे हैं। तो अक्षय जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अक्षय चौधरी जी, आपको बहुत बधाई। आज आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी जो उम्र है वो कितनी है? 27 साल की उम्र में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलना अपने आप में बहुत बड़ा विषय होता है। तो कैसा मानते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी को कैसे निभाई? बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। दरअसल मैं आपको बताऊँ, 27 साल की उम्र में जो मैं राष्ट्र उपाध्यक्ष बना हूँ, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो वर्षों से हमारे परिवार की राजनीति रही है, जब मैंने अपने छात्र जीवन में राजनीति करी, तो स्कूल टाइम में ही मेरी मैंने अपना मतलब लक्ष्य ये था कि मुझे राजनीति में जाना है। उसी समय से मैं समाज की सेवा करता रहा और कॉलेज टाइम में भी मैं छात्र राजनीति करी। उसके बाद मैं कॉलेज के बाद जब मैं अपने क्षेत्र में आया तो सक्रिय रहा, समाज की सेवा करने में रहा। तो इसके पीछे मैं नहीं मानता कि उम्र कोई मायने रखती है। अगर हम किसी चीज़ के लिए सोच लें कि हमें क्या करना है, तो फिर हम आसानी से उसे कम समय में भी ज़्यादा मेहनत करके उसे पा सकते हैं। पूरे 4.5 साल जैसा विपक्ष में रहते हुए भाजपा जिस तरीके की प्लानिंग करके जमीन पर लड़ाई लड़ती थी, सारे लोगों का ये आरोप है, मीडिया भी इस बात को कहती है, पूरे 4.5 साल सपा और बसपा दोनों भाजपा की जो नाकामियां हैं उनको भुला नहीं पाई, ना ही उन्होंने ग्राउंड पे काम किया। इसके लिए मैं बहुत ही आपको एक सिंपल सा जवाब देता हूँ। आज अगर हम कोई कार्यक्रम करने जाते हैं, या तो पार्टी के फेवर में या गवर्नमेंट के खिलाफ, अगर हम कोई भी कार्यक्रम आज करने जाते हैं, तो पहले से पहले ही पुलिस हमारे घर पर आ जाती है नजर बनाने, जिससे कि हम, जैसा आपने बोला कि हम उन्हें भुला नहीं पाए। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें भुलाना चाहते हैं, भुलाना नहीं चाहते, हम जो सच्चाई है वो लोगों के सामने लाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आप आज देखोगे कि 10 महीने से किसान बैठे हैं और टीवी पे जो तालिबान और अफगानिस्तान की चीज़ें दिखाई जाती हैं, कोविड टाइम पे कोविड के लोगों, जब किसान वहाँ पर बैठे थे तो उनको भी नज़रअंदाज करके कोविड की चीज़ें दिखाई जा रही थी, लोगों को डराया जा रहा था, घर में बैठाया जा रहा था। आज हम कोई भी अगर कार्यक्रम करते हैं, चाहे हम तहसील स्तर पर धरना देने जाएं, चाहे हम डीएम ऑफिस पर धरना देने जाएं, या हम अपना कोई भी पार्टी का कार्यक्रम करने जाएं, या साइकिल यात्रा निकालने जाएं, तो भाजपा प्रशासन की मदद से हम लोगों को घर पर बैठाती है, जबरदस्ती नजरबंद करती है। बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप, पूरी जिम्मेदारी से लगा रहे हैं। बिल्कुल, मैं खुद, मेरे पास दो दो नोटिस रखे हैं, आपको अभी दिखा सकता हूँ। शांतिपूर्वक हम वो चीज करने जाते हैं। अगर हम कहें तो आप ये कह रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इन चीजों से डरता है क्या? नहीं, डरता नहीं है, डरता नहीं है। मैंने आपसे बोला कि इन चीजों को भाजपा चाहती है कि अगर कोई भाजपा के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, भाजपा के खिलाफ कोई ज्ञापन हो रहा है, भाजपा के खिलाफ कहीं आवाज उठाई जा रही है, तो उन चीजों को लोगों के सामने भाजपा आने नहीं देगी, चाहे कुछ मीडिया के लोगों की वजह, मीडिया के लोगों से दबाव दबा के उनको रोका जाता है, न्यूज़पेपर में नहीं आती, अखबारों, न्यूज चैनलों में नहीं आती, और कुछ चीज़ों को प्रशासन की मदद से रोका जाता है। जब मार्च के महीने में मैंने साइकिल यात्रा के लिए परमिशन के लिए मैंने अपना एक कार्यक्रम किया था, उस समय पुलिस वालों ने मुझे 2:30 बजे तक बैठा दिया और मुझ पर दबाव बनाया गया कि इसमें इस कार्यक्रम को ना करो, लेकिन तब तक लोगों के पास मैसेज जा चुके थे कि 21 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है। तो जितने लोगों के, जो लोगों से हम बात कर सकते थे, हमने बात की 2:30 बजे से, रात में 2:30 बजे में किस चीज को करो, तो लोगों को जब सूचना थी, सब लोग, हजारों लोग यहाँ इकट्ठे थे उस टाइम, तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने उस कार्यक्रम को भी नहीं होने दिया, साइकिल यात्रा को रोक दिया। अभी हमें तहसील स्तर पे हमें ज्ञापन देना था, कोई धरना नहीं था, कोई प्रोटेस्ट नहीं था, बस हमें SDM साहब पे ज्ञापन देना था तहसील स्तर पे। पुलिस प्रशासन ने, भाजपा कहने से, पुलिस प्रशासन ने हमें एक दिन पहले
पाँच तारीख को हमें ज्ञापन देना था, चार तारीख के शाम को पुलिस प्रशासन ने आके मेरा पूरा ऑफिस और मेरे पूरे घर पर पुलिस रख गई थी चारों तरफ और मुझे नजर बंद कर दिया। उस चीज़ की वो मीडिया में भी आई, वो सारी चीज़ें अखबारों में भी, और सिर्फ क्यों रोक गया, बस इसलिए रोक गया कि अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो भाजपा जो लोगों में झूठ पहुँचा रही है वो सच्चाई लोगों तक पहुँच जाएगी। अच्छा, तो आपने जो अभी ये चीज़ बोली कि हम भाजपा के खिलाफ जो भी भाजपा करती है उन चीज़ों को भुना नहीं पा, तो कहीं ना कहीं आप भी ये मानते हो कि भाजपा गलत इससे कोई नकार नहीं सकता कि महंगाई है, कोई नकार नहीं सकता कि बिजली के दाम महंगे हैं, कोई नकार नहीं सकता कि जो आप बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा की राजनीति है तो पूरी राजनीति हिंदुत्व के विरुद्ध घूमती है। लेकिन भुनाने का मकसद मतलब ये है कि आप लोगों ने क्यों जनता की आवाज नहीं उठा पाई, आप लगातार आवाज उठा रहे हैं। अगर आप मीडिया में तो वो चीजें पहुंच नहीं पा रही, क्यों नहीं पहुंच पा रही वो आपको भी पता है। हम अपनी तरफ से लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी का पेज देखेंगे, आप यूट्यूब पे देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे, सोशल मीडिया पे हमारी आपको सारी चीजें दिखेंगे, लेकिन उन चीजों को अगर हम न्यूज में लेके जा रहे हैं क्योंकि लोगों तक बात पहुंचाने के दो ही तरीके होते हैं, या तो हम जिस जगह बैठे हैं वहाँ उन लोगों पे हम जा जाते हैं जनसंपर्क करके उन चीजों पे मानते हैं कि साढ़े चार साल के कार्यकाल में योगी सरकार का कार्यकाल हुआ, उस दौरान आपने जो मजबूत विपक्ष की भूमिका है उसका निर्वहन मजबूती से किया है। बिल्कुल क्या है, इसीलिए आज अगर गौतम प्रदेश में अब से पहले पार्टियों के नाम आते थे तो बसपा, समाजवादी पार्टी, इन दो पार्टियों के नाम लिए जाते थे या भाजपा के नाम लिए जाते थे। आज भाजपा तो सत्ता में है, भाजपा सत्ता में है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर विपक्षी कोई पार्टी है तो हर किसी की जुबान पे सिर्फ समाजवादी फिगर अगर हमारे पक्ष में तो क्यों है, उसके पीछे तो कहीं ना कहीं कारण होगा, लोगों को पता है, जमीन पे लोगों को पता है कि समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है। समाजवादी पार्टी इसको कहीं कोई दोराय नहीं है कि सपा और बसपा के बीच की अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो सपा ने बसपा से कहीं अधिक जमीन पे लड़ाई लड़ी है, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है। अगर मजबूत है आज, अगर हम भाजपा को एक साइड कर देते हैं क्योंकि वो आ सकता है, विपक्षी पार्टी अगर सिर्फ समाजवादी पार्टी है और भी तो समाज और भी विपक्षी पार्टी है प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी नंबर वन पे क्यों विपक्ष, क्योंकि वो लगातार लोगों की आवाज उठा रही, चाहे किसानों की बात हो चाहे बिजली की बात हो। हमारे ही क्षेत्र में आप अगर देखोगे तो अगर दो गाँव की मैं बात करूँ, खैरपुर गाँव में 7 लोगों पे पेनल्टी लगाई गई थी 17 लाख रुपए की NPCL जी, वो केस मेरे पास आया, वो विधायक जी के पास भी गए थे, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई और वो बिल्कुल निराधार केस था। उसमें बस इतना था कि उन गांव वालों के मीटर बंद हो गए थे, मीटर बंद होने की वजह से उनका बिजली का बिल नहीं भरा गया, उस चीज का उन्होंने फायदा उठा कि किसी पे 2.5 लाख, किसी पे 3 लाख, किसी पे 4 लाख की पेनल्टी लगा के 17 लाख रुपए की पेनल्टी लगा। और फिर जब वो विधायक जी के पास गए तो विधायक जी ने उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उनका कोई काम नहीं हुआ। फिर बाद में उन लोगों ने पुलिस प्रशासन की मदद से उन्हें डराया, हम लोग गए, समाजवादी पार्टी के लोग गए, उनकी बात सुनी, उनकी जाके मदद करी, उनका काम हुआ, उनके मीटर भी। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार पिछले, तो आप इस बात को मानते हैं ना कि बिजली महंगी है, बिजली महंगी है, तेल महंगा है, पेट्रोल, आपकी सरकार आएगी तो बिजली के लाभ कम होगा ना, बिल्कुल होगी, अखिलेश जी ने तो घोषणा भी कर दी कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। अच्छा, बिल्कुल, तो आम आदमी पार्टी की राह पे आप चल रहे हैं, मुफ्तखोरी क्या लगाएंगे जनता को, मुफ्तखोरी। आप एक बात बताइए कि सरकार का काम है, जो राजनीति होती है और जो सरकार होती है उसका काम है, सरकार का काम ये होता है कि गुड गवर्नेंस देना, बिल्कुल, और उसमें क्या चीज आती है, यही तो चीज आती है कि हम लोगों को चीजें या तो मुफ्त दें और मुफ्त नहीं दे सकते तो कम से कम सस्ती तो कर दें, तो इसमें मुफ्त होने की क्या बात है। अगर आम आदमी पार्टी ने ये काम करा है तो गलत थोड़ी ना करा, नहीं बात आम आदमी पार्टी ने शिक्षा फ्री दे, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सेवाएं फ्री दे, बिजली फ्री दे, पानी फ्री दे, डीजल पेट्रोल सस्ता करे, सरसों का तेल जो 80 रुपए आता था 200 रुपए, आप भी राजकोष घाटा कहाँ जाएगा आपका। फिर अभी देखा आपने कि कोरोना के समय में दिल्ली सरकार के पास में कर्मचारियों को सैलरी देने का पैसा नहीं था,
लेकिन बिजली फ्री है महिलाओं को बस में यात्रा के लिए। अगर सही नियत से चीजें करी जाए तो सब चीजें, और अगर आप ये बात करें कि घाटे की, राजस्व घाटे की अगर आप बात करें, तो क्या दिल्ली प्रदेश में अगर ये सारी चीजें सस्ती दी जा रही है, मुफ्त में दी जा रही है, तो वो आज घाटे में। अगर हम दिल्ली और केंद्र की बात करें, केंद्र ने तो बहुत महंगा कर, केंद्र ने तो सारी चीजें महंगी कर रखी, उसके बावजूद भी अगर हम जीडीपी देखें तो जीडीपी का नियत सही होनी चाहिए। अगर सही नियत से चीजें करी जाएंगी तो सब चीजें ठीक होंगी। व्यापारी लोग सिर्फ और सिर्फ मुनाफा देखते हैं और भाजपा के लोग व्यापारी हैं। अच्छा, बिल्कुल है। ये इनको सारी चीजों में व्यापार दिखता है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो किसी भी चीज में हम बात करें। अगर आज एयरलाइंस बेची जा रही है, रेलवे बेचे जा रहे हैं, BSNL MTL बेचे जा रहे हैं, लाल किले को गिरवी रखा जा रहा है, तो ये सब क्यों है? व्यापार तो करते हैं लोग। जब PM रिलीफ फंड था तो PM केयर्स फंड क्यों लगा? लोगों को घुमाया जाता है, उनकी भावनाओं से खेला जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अपने जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं, जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए उनसे ही ध्यान देते हैं, क्योंकि इनकी नियत इनका सिर्फ और सिर्फ ये लोग आए हैं व्यापार करने हैं, आज व्यापार कर रहे हैं, भाजपा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, भाजपा की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सदस्यता दिला रहे हैं, सिर्फ ये अपने पार्टी के अपने संगठन के लिए काम कर रहे हैं, इनको देश प्रदेश जनता से कोई लेना देना नहीं। जी, अभी हम अंतिम चरण में पहुँचते जा रहे हैं कार्यक्रम में। मैं सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि अखिलेश यादव कहते हैं कि 400 सीटें हमारी आएंगी। जी ठीक है, आपको क्या लगता है कि वो केवल कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो एकदम अपर लेवल वाला कह सकते हैं कि बीजेपी कहते हैं जुमला पार्टी, बीजेपी की जुमला पार्टी का शब्द प्रयोग होता है, तो 403 में से 400 सीटें हैं। नहीं, अगर कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ाने के लिए भी अगर ये बात बोली गई तो इसमें गलत क्या है? तो हमें तो जितना संभव होता होना चाहिए ना। क्यों, ये क्या पॉसिबल नहीं है? क्या 400 सीट समाजवादी पार्टी के आ नहीं सकते? बिल्कुल आ सकती है। आज जिस तरीके से लोग भाजपा से तंग हैं, हमें तो लगता है कि 403 भी आ सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल, कितना विपक्ष दिल्ली की तरह, जब दिल्ली में आप दिल्ली का आपने खुद ही अपने मुंह से ये बात बोली, मैं बोलने वाला था, जब दिल्ली में आ सकती है तो यूपी में नहीं आ सकती। और जहां दिल्ली में तो इतने लोग परेशान भी नहीं थे जितने आज यूपी में भाजपा ने परेशान कर दिया लोगों को। जी जी ठीक है, आपने सारी चीजें बताई। अंतिम बात आप ये बताइए कि अपनी विधानसभा, आपकी विधानसभा के जो लोग हैं, अगर आपको टिकट मिल जाती है तो आपको विधायक क्यों चुने? बिल्कुल, मैं मुझे विधायक इसलिए चुने, लोग अगर मैं जब लोगों के पास जा रहे हैं तो लोगों में कहीं ना कहीं पिछले 4 साल में ये निराशा रही है कि लोगों को एक तरीके से अनाथ समझा जाता है। अगर विधायक जी के पास जाते हैं तो विधायक जी को सुनवाई करते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन ये रहा है कि लोगों ने उस समय 2017 में विधानसभा की आप बात करें, इसमें 17 की बात करें, वरना 14 में भी और 19 में भी, 17 में भी लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया था। तो 17 में जब चुनाव हुआ विधानसभा का, तो दादरी विधानसभा में भी अगर भाजपा का विधायक चुना गया तो वो भाजपा का विधायक तेजपाल नागर नहीं चुना गया, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी को वोट मिली थी, पार्टी को वोट मिली थी मोदी और योगी जी के लिए। आज जो इस क्षेत्र की जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए ना योगी जी आ रहे ना मोदी जी आ रहे, और विधायक जी के पास जा रहे हैं तो विधायक जी का सीधा सीधा ये कहना होता है कि हम आने वाले समय में कुछ चीजें ऐसी करेंगे कि हमें तो फिर वोट मिलेगा। उनका कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि भाजपा को वोट मिलेंगे। वह विधायक जी की अगर हम व्यक्तिगत तौर पर विधायक जी की बात करें तो विधायक जी ने 4 साल में 4.5 साल में आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए लोग उन्हें दोबारा विधायक चुने। और मैं इस क्षेत्र के उस परिवार से आता हूँ जिसने अपने पूरे 45 साल इस क्षेत्र की सेवा में दी, चाहे मेरे दादाजी हों दादी जी हों, उन लोगों ने पूरे परिवार पूरे समाज की पूरे क्षेत्र की हमेशा मदद करी, और लोगों को कहीं ना कहीं मुझ पर उम्मीद है, भरोसा है कि अगर इस परिवार का सदस्य और हमारे बीच का हमारे क्षेत्र का कोई सदस्य विधानसभा के लिए आता है और युवा आता है, खासकर मैं युवा के लिए इसलिए बोलूँ कि आज के समय में कम से कम 60% युवाओं की हिस्सेदारी होती है किसी को जनप्रतिनिधि में, और जब हम युवाओं की एक साथ ताकत जब हमें मिलेगी तो कहीं ना कहीं हम उस चीज को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे, और हम
जो आज लोग अपने आप को अनाथ फील कर रहे हैं, अनाथ महसूस कर रहे हैं, हम उन लोगों के पास जा रहे हैं और उनको ये चीजें बता रहे हैं कि आने वाले समय में आप प्रदेश और देश के बारे में सोचने से पहले कम से कम अपने लोगों के लिए भी सोचें। क्योंकि अगर हम अपने लोगों के लिए सोचेंगे, हर कोई इंसान अगर ये सोच ले कि मुझे अपने आप को बदलना है, अपने आप को सही करना है, तो सब लोग ठीक हो जाएंगे। हम प्रदेश की बेहतरी चाहते हैं, हम देश की बेहतरी चाहते हैं, लेकिन उसका बदलाव कहाँ से होगा? अपने आप से। तो शुरुआत जब हम अपने आप से करेंगे तभी हम प्रदेश और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अगर जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता को हम उनसे बातें कर रहे हैं और उनको विश्वास भी है हम पर, हम उन्हें विश्वास भी दिला रहे हैं कि अगर आपको अपने बीच का कोई मजबूत नेता चुनोगे, विधायक चुनोगे, तो वो आपके आपके लिए खड़ा रहेगा। अगर आप तो किसी के चेहरे पे किसी को वोट दे दोगे, वो चाहे आपके पास कभी आया ना हो, आपकी कभी सुनवाई ना हो करे, तो आप कैसे उससे उम्मीद कर लोगे कि वो कल को आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए वो सही हो? तो आज हम जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो अपनी बातें रख रहे हैं, और हम इस क्षेत्र के हैं, हमारे परिवार में 40 साल भी हैं, हम अपना पूरा जीवन इस समाज के इस क्षेत्र के लिए देंगे और कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं और आगे भी लड़ते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं अक्षय जी आपके उज्जवल भविष्य के लिए। तो ये थे अक्षय जी, और अक्षय जी ने अपनी सारी योजनाएं भविष्य की बताई हैं और कहा है कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी 403 की 403 सीटें जीत सके।